हेलो एवरीवन, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज़ का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर इस लिंक को वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट सॉल्व भी किए हैं। अभी फ़िलहाल में हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी से मैं लिख देता हूँ। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अ स्ट्रेटम ऑफ क्ले विथ एन एवरेज लिक्विड लिमिट ऑफ 46% इज 7.8 मीटर थिक, है ना। मतलब हमें कंप्रेसिबल जो सॉइल है वो क्ले है दे रखा है, 7.8 मीटर थिक है, जिसके अंदर लिक्विड लिमिट 46% है। इट्स अ सरफेस इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 11.2 मीटर बिलो द प्रेजेंट ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को समझा और लिखा कि हमारे पास ये प्रेजेंट ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस आपका क्ले नहीं है, क्ले कहाँ है, 11.2 मीटर नीचे। तो ये देखो, ये हमने क्या किया, 11.2 मीटर का मान लिया कि कोई सॉइल होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने रीड नहीं की है। तो 11.2 मीटर तक कुछ मटेरियल होगा, कुछ डिपोजिशन होगा। इस 11.2 मीटर के नीचे उन्होंने क्या कहा, 7.8 मीटर तक हमारे पास क्या मौजूद है, क्ले मौजूद है। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपका क्ले यहाँ तक मौजूद होगा, ख़त्म इतनी बात। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला, आगे रीड करते हैं। द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द क्ले इज 38%। मतलब देखो, ये आपका क्ले है, ये वाला पोर्शन 7.8 मीटर का, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था लिक्विड लिमिट 46%, तो WL में लिख देता हूँ, ये आप लोगों को कितना दिया है, 46% दिया है। फिर नेचुरल वाटर कंटेंट 38%, तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि हमारे पास जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो कितना दे रखा है, 38% दिया हुआ है, है ना। फिर और आगे रीड करें, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन इज 2.75। तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले पार्टिकल्स कितना दे रखा है, 2.75 दे रखा है। बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड क्ले द सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड। मतलब ये आपका क्या है, क्ले, और ये ग्राउंड सरफेस, ये जो 11.2 मीटर का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, फाइन सैंड है, ठीक है, फाइन सैंड है, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका सैंड का पोर्शन हो गया पूरा, और ये पूरा आपका किसका पोर्शन हो चुका है, ये आपका क्ले का पोर्शन यहाँ पर हो चुका है, अब फाइन सैंड है ये, ठीक है, और ये आपका क्ले है। अब उन्होंने बोला वाटर टेबल इज लोकेटेड एट 4.4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ कहीं पर आपका क्या है, 4.4 मीटर बिलो वाटर टेबल है। सो दिस इज़ वॉट वी हैव, 4.4 मीटर बिलो दी, तो ये मैंने लिख दिया 4.4 मीटर बिलो आपके पास वाटर टेबल है। तो 11.2 में से 4.4 गया तो कितना बचा, 6.8 मीटर बचा, तो ये आपका 6.8 मीटर ये पोर्शन हुआ। फिर द एवरेज सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सैंड इज 10.6। हमें गामा सबमर्ज सैंड का दे रखा है, क्ले का नहीं दिया है, सैंड का दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गामा सबमर्ज, ये गामा डैश से भी आप इसको शो कर सकते हैं गामा सबमर्ज को। तो कितना दे रखा है, 10.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड द यूनिट वेट ऑफ सैंड लोकेटेड अबोव वाटर टेबल इज 17.2। मतलब यहाँ की जो बल्क डेंसिटी है वो 17.2 अबोव वाटर टेबल दे रखी है, 17.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ख़त्म इतनी बात अपनी, हाँ सर ख़त्म। आगे बढ़ते हैं तो लिखा है फ्रॉम द जियोलॉजिकल एविडेंसेस इट इज़ नोन दैट द क्ले इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। मतलब ये जो क्ले है वो NCC है। द वेट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द क्ले दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैंड अबोव द क्ले इज लाइकली टू इंक्रीज द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर ऑन द क्ले बाय 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब
यदि आप यहाँ पर बिल्डिंग एक बनाएं तो उसके कारण, उसके बिल्डिंग के वेट के कारण जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है दैट विल बी 42 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। एस्टिमेट द सेटलमेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का सेटलमेंट निकालना है। तो देखो बिल्डिंग का जो सेटलमेंट होगा वो क्ले के सेटलमेंट पर डिपेंड करेगा। यदि क्ले 5 mm से सेटल हो रही है तो पूरा बिल्डिंग भी 5 mm से सेटल होगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि क्ले में हमें सेटलमेंट निकालना है, बात खत्म, है ना। तो अब क्ले में सेटलमेंट निकालना है तो क्ले की इतनी सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो क्ले का वॉइड रेशो पता है क्या? नहीं पता है। क्ले का यूनिट वेट पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन मुझे ये प्रॉपर्टीज दी है तो मैं निकाल लेता हूँ। क्ले यहाँ की क्या है? फुली सबमर्ज है, तो गामा सबमर्ज ही निकालो सीधे सीधे। तो मुझे वॉइड रेशो निकालने के लिए एक रिलेशन याद आ रहा है, ES इक्वल टू डब्ल्यू जी का। तो क्या हो जाएगा? ई इंटू वन, क्योंकि फुली सेचूरेटेड सॉइल है। वाटर कंटेंट अपने कितना लेना है? 38%, 0.38, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75। तो यहाँ से वॉइड रेशो आपका आ चुका है 1.045 का। क्लियर? ये आपका क्या आ चुका है? वॉइड रेशो। अब मैं बोल रहा हूँ सबमर्ज डेंसिटी निकाल लो। तो गामा सबमर्ज किसके लिए निकाल रहे हैं भैया? क्ले के लिए, क्योंकि सेंड के लिए तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया? 10.6। मुझे क्ले का चाहिए, है ना। तो क्ले के लिए हम लोगों ने कितना निकाला? क्ले के लिए G-1 डिवाइड बाय 1+E इंटू गामा W, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसके अंदर रख दें गामा डैश, क्ले की बात कर रहा हूँ। सो 2.75 - 1 डिवाइड बाय 1+ वॉइड रेशो, अभी मैंने निकाला क्ले में 1.045, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 ले लेंगे, है ना। तो गामा डैश हमारे पास क्ले में आ चुका है 8.39 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आप लोगों का क्या आ चुका है? गामा सबमर्ज किस में आया? क्ले में। मुझे एक बात याद करो, बताओ कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेटलमेंट निकालना चाहता हूँ। और सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सेटलमेंट का फॉर्मूला होता है CC, मतलब CC बोले तो कंप्रेशन इंडेक्स है, CCH0 log base 10 ऑफ सिग्मा बार नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाय सिग्मा बार नॉट, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 1+ इनिशियल वॉइड रेशो। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपके पास H0 होता है कंप्रेसिबल लेयर की थिकनेस कितनी है? 7.8 मीटर। अब सिग्मा बार नॉट क्या होता है? ये होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। कहाँ पर निकालना है? कंप्रेसिबल लेयर के मिड लेवल पर। तो ये आपका कंप्रेसिबल लेयर थी 7.8 मीटर की, इसका मिड लेवल ये है, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ व्हाट वी हैव मिड लेवल। तो आपको जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है वो मिड लेवल पर निकालना होंगे, है ना। तो 7.8 का हाफ कितना हो गया आपका? ये हो चुका है 3.9 मीटर। सो 3.9 मीटर ये आपका इस लेवल पर आपको इफेक्टिव स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना होंगे। फिर और देखो फॉर्मूले में और क्या चाहिए? इनिशियल वॉइड रेशो दिया गया है, निकाल चुका हूँ 1.045। डेल्टा सिग्मा बार एक्सेस प्रेशर है, जो कि क्वेश्चन में मुझे कितना दिया गया है? 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। सब कुछ पता है, सिर्फ एक वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो है आप लोगों का कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेशन इंडेक्स अब मैं कैसे निकालूं? तो एक बात देखो, कंप्रेशन इंडेक्स निकालने के लिए उन्होंने लिक्विड लिमिट दे रखा है। क्या कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। तो देखो मैं निकालता हूँ यहाँ पर कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला जो मुझे याद है लिक्विड लिमिट के टर्म्स में, और वो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से है कि कंप्रेशन इंडेक्स CC इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट -10, ऐसा होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, CC इज इक्वल टू 0.009 लिक्विड लिमिट, परसेंटेज में ही आपको पुट करना है। 46% इज द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमने यहाँ पर पुट किया 46 माइनस का 10 और आंसर निकल आया कंप्रेशन इंडेक्स का 0.324। क्लियर? तो ये आपका कंप्रेशन इंडेक्स भी हमारे पास रेडी है। बस सभी वैल्यूज यदि पता है तो निकाल लो। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना पहले हम मिड लेवल पर, तो चलिए मिड लेवल पर हम इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिग्मा बार नॉट मिड लेवल पर देखो टोटल स्ट्रेस कितना है। इस लेवल पर टोटल स्ट्रेस 17.2 × 4.4 प्लस 10.6। अच्छा, डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर गामा सबमर्ज लिया है। गामा सबमर्ज यहाँ पर भी ले लेता हूँ मैं। तो 17.2 × 4.4 ये लिखा हमने, 17.2 × 4.4 प्लस गामा सबमर्ज दे रखा है, तो 10.6 × 6.8 डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएंगे क्योंकि गामा सबमर्ज ले रखे हैं। यहाँ पर भी गामा सबमर्ज कितना है क्ले का? मैं निकाल चुका हूँ गामा सबमर्ज क्ले का 8.39। सो 8.39
8.39 इंटू डिस्टेंस कितनी है 3.9 मीटर की, सो 3.9 ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिग्मा बार नॉट आ चुका है 180.481 किलो पास्कल का। तो ये आपके पास क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस निकल के आ गए, आप चेक करिएगा यही वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ख़त्म इतनी बात। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए कोई ऐसा वैल्यू आपको नज़र आ रहा है क्या जो हमारे पास मौजूद ना हो? सी सी भी है, एच नॉट भी है, सिग्मा बार नॉट भी है, डेल्टा सिग्मा बार 42 दे रखा है और इनिशियल वाटर शो भी हम निकाल चुके हैं, तो सभी वैल्यूज पता है। चलिए फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो डेल्टा एच इक्वल टू है ना, तो देखो फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, सी सी, सी सी अपना कितना है 0.324 इंटू एच नॉट। एच नॉट क्या होता है कंप्रेसिबल लेयर की थिकनेस, तो कंप्रेसिबल लेयर मतलब कि ये पूरी थिकनेस लेना है 7.8 मीटर, तो 7.8 मीटर में ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिया 7.8 इंटू लॉग बेस 10 है ना। ये देखो इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना निकाला अभी हमने, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 180.481 प्लस एक्सेस प्रेशर जो एडिशनल प्रेशर डाला गया है बिल्डिंग के वेट के कारण कितना दिया है 42 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमने यहाँ पर रखा 42 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 180.481, ये हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशो, सो 1 प्लस वॉइड रेशो हमारे पास कितना दिया है 1.045, सो 1.045 इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच हमारे पास आ चुका है 0.1123 मीटर में, ठीक है 0.1123 मीटर में आ चुका है। कुछ स्टूडेंट ने मीटर में आंसर दिया है तो उनका आंसर ये होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने सेंटीमीटर में दिया है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.23 सेंटीमीटर में ये आंसर होगा। एमएम में कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है तो 112.3 एमएम आंसर होगा। तो तीनों कैटेगरी में मैंने आपको आंसर बता दिए, मतलब तीनों यूनिट्स में, मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, जो भी स्टूडेंट्स ने मीटर में, सेंटीमीटर या एमएम में दिया है वो इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में मिलूंगा। यहीं इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।